तो हमने बोला कि अगर फादर को एतराज़ है इस टाइटल से तो फादर की बात हमको मान लेनी चाहिए और हमको इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर लेना चाहिए। इत्तफाकन ये जो टाइटल आया हमारे दिमाग में, हमारे फादर के दिमाग में, वो मेंटल से बहुत ही अच्छा टाइटल था, जय हो। सलमान आपसे सवाल मेरा राइट में, आलोक तो हो गए आपके राइट में, राइट इधर है। मेरा सवाल है कि ये है पीपल्स मैन, मतलब लोगों का आदमी, तो आप कितने आम हैं खुद को? कितना इधर तो लिखा तो वही है, हाँ तो वही मेरा सवाल वही कि आप कितना खुद को आम मानते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब खास मानते हैं आपको, खुद के अंदर कितने आम हैं? सालों के बाद एक बहुत ही अच्छा सवाल मिला मुझे। तू ही जवाब दे। अब स्टार तो मैं अपने मेहनत से तो बना नहीं, एक जगह पैदा हो गया, हम सब भाई बहन, डैडी के यहाँ, मम्मी के यहाँ, डैडी आए इंदौर से, मम्मी आई माही से, तो इस इंडस्ट्री में पैदा हुए। सामने देखिए, बाय चांस बाय लक हमको ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मंच मिल गया, ऐसी कोई हमने कोई पढ़ाई कोई तालीम तो इस इंडस्ट्री में हासिल नहीं की, बाय चांस बाय लक सूरज प्रजाति ने मुझे पिक्चर में ले लिया, वो पिक्चर मैंने प्यार किया थी, उसके बाद वो पिक्चर चली और मैं प्रेम के नाम से जाना गया। तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसमें आप लोगों का दोष है, आप लोगों ने पिक्चर को लाइक किया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, उसके बाद जो जो फिल्म मैंने की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं। अब इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं, अगर मैंने कुछ किया तो उसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को। अब उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, वो एक होता ना कि एक दिमाग खराब हो गया इंसान का, अपने आप को क्या समझने लगा, खुदा समझने लग गया, वो बिल्कुल है नहीं। रिक्शा में घूमने का शौक है, साइकिल चलाता हूँ, एसी गाड़ी में घूमता हूँ कांच नीचे करके, तो ये सब फंडे हैं लाइफ के, नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि ये सब जो किया मैंने किया है, ये सब हो रहा है मेरे साथ और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, जिस दिन नहीं होगा उस दिन भी एंजॉय कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, नहीं करे बात है, ये बहुत अच्छी बात है, करे नहीं, अगर ये नहीं होते तो आप लोग भी यहाँ नहीं होते, ये प्रोमो किसके लिए बनाते, चंदन थिएटर के लिए तो नहीं बनाते ना, चंदन थिएटर में लोग आएंगे उनके लिए बनाएंगे ये प्रोमो। हाँ बिल्कुल दिखता है, वो दिखेगा भी। फैंस कभी कभी जो हद क्रॉस कर जाते हैं ना, जो हद क्रॉस कर जाते हैं ना कोई फैंस के पर्सनल लाइफ के अंदर दाखला या कोई बदतमीजी करना, जो कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, जो मेरे पर्सनल गाइडलाइंस से बहुत ही दूर है, वो हम लोग कभी कभी चलाना पड़ता है। प्यार से उनको देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये मत करो, और कभी कभी बहुत सारे फैंस कैरिड हो जाते हैं और मैं उनको फिर फैंस नहीं मानता।
Salman, this topic, Mr. Khan, continue this topic. Is this why you tried explaining yourself to your fans regarding, you know, whatever was being said to you on Big Boss? Yeah. क्या इसी वजह से आप खुद को explain कर रहे थे Twitter पे कि you know मेरी decisions हैं Big Boss में मैं अपना views रखता हूँ आप लोग मत करो because we've never seen you explaining your actions. This is the first time we saw Mr. Khan going to Twitter taking on a little bit of anger and ass, which is quite a thing. आपकी train थोड़ी सी late चल रही है. थोड़ी सर मिलते नहीं हैं रोज़ रोज़ तो train तो late ही चल रही है. वो थोड़ा सा थोड़ा टाइम पहले की बात है. I know but then you have met you Salman. वो थोड़ी सी टाइम पहले की बात है. कभी कभी ऐसा मूड आता है कैसा लगा कि यार ये क्या सवाल पूछ रही है मुझसे और इट इज नॉट आंसरिंग टू जर्नलिस्ट. अब जैसे करण है, करण मेरा दोस्त है कॉफी करण के अंदर खूब मस्ती की. वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है लेकिन वो फॉर्मेट है शो का. तो आई प्लेड अराउंड विद द फॉर्मेट. अभी कोई एक कोई जर्नलिस्ट है जो मुझसे आके कोई सवाल पूछे एंड मुझे उस सवाल का जवाब नहीं देना है, मैं झूठ बोलूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, शायद भड़क भी जाऊंगा उससे. लेकिन सेम सवाल अगर कोई जर्नलिस्ट एक अच्छे इंटेंशन से पूछे ताकि ये बात जाके फैंस को कन्वे हो, वो मैं उसका सही से जवाब दूंगा. सो डिपेंड करता है कि किस मूड में है, किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है. अब एक फैन ने ट्वीट कर दिया कि ये ऐसा हो रहा है तो मैंने उसका जवाब सिर्फ ये दिया है कि हम आप वो एक घंटा देख रहे हो, हम 24 घंटे देख रहे हैं. सलमान जी जय हो. थैंक यू जी. सलमान लिपिका फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल. मुझे ये पूछना था आपको कि यू स्टार्टेड दबंग. दबंगाई आपने शुरू की स्क्रीन पे. आप ये हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को हमारे भाई को लेके घूमते हैं लकी मैस्कॉट. वो हमारे घर के चौधरी हो गए क्योंकि ये दो ब्लॉकबस्टर धनाधन धनाधन इन्होंने दिया एक के बाद एक. तो सोहेल और मैंने डिसाइड कर लिया है कि फॉर मैन लव लेडी लव तो बोल नहीं सकते इनको, इनको साथ में रखो कि शायद इनका ये दबंग का लक हम पे रबा हो जाए इसमें भी. So everyone followed your footsteps and this, the very first promotion, you have stunned giving, starting with the masses. This is a very typical and a very exuberant step. Do you think people will start following this also? You know, जब से मैंने आमिर की टोपी पहनना शुरू की है, ये सब thoughts मेरे दिमाग में आ रहे हैं. धूम का तो मुझे पता ही है लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी. सलमान सेंटर में एक सवाल है आपसे. सलमान जितने भी अब तक दबे कुचले लोग हैं समाज के, ये फिल्म के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी को दबंग हो जाना चाहिए? सलमान भाई रिप्लाई वापस से पूछो. यही कि ये जो फिल्म है आपकी, जितने भी समाज के दबे कुचले लोग